कैसे एक अच्छे वकील का चुनाव करें? ये क्वेश्चन रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा, जिसके बाद मेरे पास भी इसका कोई स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं था, क्योंकि कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि कौन सा एडवोकेट आपका केस अच्छे तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कौन सा वकील आपके लिए ईमानदार रहेगा, या फिर वो आपको गारंटी देगा कि आपके केस में वो आपको जितवा सके और आपके हारने के चांसेस काफी कम हो। तो उन केसेस में मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, कि अगर आप कभी भी कोई लॉयर एंगेज कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए कि वो लॉयर आपको ढंग से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो आपके साथ रूड तो नहीं है, आपके केस के जितने भी अपडेट्स है वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, या फिर आपके केस के रिगार्डिंग जब आप उनसे डिस्कशन करने जाते हैं तो उनके पास टाइम है कि नहीं। ज्यादा बिजी लॉयर भी अगर आप एंगेज कर लेते हैं तो आप उससे कन्वर्जेशन नहीं कर पाएंगे 1-to-1, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोशिश करिए कि जब भी आप कोई लॉयर एंगेज करें तो वो आपके नोन में हो, मीन्स आपने किसी के रेफरेंस के थ्रू उस लॉयर को एंगेज करा हो। हाँ, अगर आपके पास कोई फैमिली लॉयर है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो आप अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके किसी अच्छे नोन लॉयर को एंगेज करें, क्योंकि किसी भी लॉयर से आप ऐसे ही केस करवा लेंगे तो वो आपके केस को काफी ज्यादा बिगाड़ भी सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लॉयर को रखते वक्त आपको काफी कॉशियस होना है।